हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अक्षय कुमार आज पहली बार आप लोगों के सामने लाइव आया हूं, आपके ही कुछ सवालों का जवाब लेकर। लोको पायलट कैसे बने, इसके लिए कौन फॉर्म भर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, पूरी डिटेल में है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका सिलेबस के बारे में फुल डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम का एक पेपर होता है, किस पेपर से अपनी कट ऑफ बनती है, फाइनल कट ऑफ किस तरीके से बनती है, वो सारा मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, किसी भी कंपटीशन को देने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इसके सिलेबस में सबसे पहले आती है मैथ्स और रीजनिंग। तो दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग ये दो ऐसी हैं जो रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ और स्टेट लेवल के बहुत से एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ्स और रीजनिंग आती है। इसका लेवल इन पेपरों में भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिलेबस सेम रहता है, सब में वही टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, अभी आप कोई भी डिग्री करके या फिर ट्वेल्थ करके या ग्रेजुएशन करके और कंपटीशन में अगर किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम अभी देना आपने स्टार्ट किया है या देने वाले हैं, तो आपको बता देता हूँ कि आपको अपना टाइम खराब किए बगैर सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट का मतलब है मिनिमम आपके नंबर, आपका कमांड मैथ्स और रीजनिंग पर 80% हो जाना चाहिए, इतने तो नंबर आपके आने ही चाहिए। और ये आपको बेसिक क्लियर करके करना है। फॉर्मूला बेस से आप मैथ्स बिल्कुल ना करें। अगर कहीं आप कर रहे हैं मैथ्स और मैथ्स की कोचिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बेस से अगर कर रहे हैं तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इसलिए बेसिक कीजिए कि क्वेश्चन को जैसे ही भी हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर फॉर्मूला बेस से आपने मैथ्स की है तो आप कब तक और कितने फॉर्मूले याद रखेंगे और कितने दिन याद रखेंगे। फॉर्म आज भरा जाता है, पेपर 2 साल बाद लगता है, कोचिंग आप 2.5 साल पहले कर चुके हो पेपर से, तो दोस्तों कहाँ आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। अगर बेसिक से आप करते हैं तो बेसिक का फंडा इतना अच्छा है कि आप कोचिंग करने के अगर 2 महीने तक भी आप अपनी कंप्लीट एक बार मैथ्स कर लेते हैं, तो 2 महीने 3 महीने तक भी आप हाथ नहीं लगाते और उसके बाद में एक बार उसका रिविजन कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ताज़ा वो हो जाती है और आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अच्छी करें, कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन फॉर्मूला बेस से बचें, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। दोस्तों, ये 2022 है, पेपर का बहुत बदल चुका है। 2010 के टाइम की बात है जब फॉर्मूला बेस से आप क्वेश्चन हल कर लेते थे, टाइम रहता था, अभी टाइम नहीं रहता, 1 सेकंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, मेरा लास्ट क्वेश्चन 1 सेकंड का 1 नंबर लेके आया था मैं, इसलिए मुझे पता है कि 1 नंबर लाना 1 सेकंड में, दोस्तों आपके लिए 1-1 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए फॉर्मूला बेस से करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा, अगर आप बेसिक से करते हैं तो आपका टाइम बहुत बचता है, सेकंडों में आप आंसर देंगे। मैं जैसे जहाँ से मैं कोचिंग किया था, जगतपुरा जयपुर से गैलेक्सी एक कोचिंग है जिसमें त्रिलोक सर पढ़ाते हैं, उनकी मैं लिंक दे दूंगा। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो राकेश यादव सर, जिनका आपने नाम सुना ही होगा, मैंने उनकी एक प्रतिशतता की 7 घंटे की वीडियो है, उसमें ये समझो अर्थमेटिक पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, वहाँ से बहुत बढ़िया से आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए बुक दोस्तों मैंने किया था, किरण प्रकाशन की बुक थी, 7800+ क्वेश्चन थे उसमें, अभी और भी बुक्स हैं, तो आप इस प्रकार की एक बुक ले सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया फायदा यह है कि दोस्तों उसमें एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं उसमें, उसके लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, एक ही टॉपिक को 5-6 लेवलों में डिवाइड किया हुआ है, सबसे छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन उसमें है, उससे बाहर ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ये समझिए आप। मतलब आप अगर उसको कर लेते हैं तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे आपको सारे तरीके के आप क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। तो अगर उसका आप रिविजन भी बार बार करते हैं तो रेलवे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो उस बुक से बाहर कहीं नहीं आने वाले। लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है लेकिन टाइप वही रहेगा, ये समझिए आप। आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कोई नया आया है, कहीं बाहर से है, मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता। बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगा उस बुक से करने में, आप कर सकते हैं। दोस्तों, रीजनिंग आप जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, फिर भी मैं 1-2 लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। रीजनिंग भी आप मैथ्स और रीजनिंग इस तरीके से नहीं कि हाँ ठीक है आधा पर्दा हो गया है अभी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको इन दोनों में कि हम पेपर करेंगे तो कम से कम 90-80% हम नंबर ले आएंगे।
दोस्तों आप मैथ्स और रीजनिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में जैसे ही आप जो भी तैयारी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही पेपर के लिए तैयारी करते हैं, आप अनेक पेपर देते हैं, जिसका आ जाए उसका देते हैं, क्योंकि सबकी बेरोजगारी में यही रहता है कि एक सरकारी जॉब मिल जाए, कोई भी मिले। तो इसलिए दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग कॉमन है, इनको आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको किसी पेपर के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है, तो किसी के लिए स्टेट लेवल की जीके पढ़नी पड़ती है, किसी के लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से सिर्फ आपके लिए आधा सिलेबस और पढ़ना पड़ता है, आपके लिए आसानी हो जाती है, आप टेंशन फ्री रहते हैं। वरना अगर आप मैथ्स और रीजनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने एक पहाड़ होगा जिससे आप डरेंगे कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन के क्षेत्र में आप गए हैं और या फिर आपको बहुत टाइम हो गया है, आप 4-5-6 साल 8 साल से एग्जाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, और आज भी अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, तो दोस्तों मेरा कहना यही है, आप सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आपको देखिए आपको खुद को आसान लगेगा। दोस्तों मैंने यही किया था, शुरू के 6 महीने मैंने कोई और किताब नहीं पढ़ी थी, सिर्फ कोचिंग करता था, उसके अलावा मैथ्स करता था, रीजनिंग करता था और उसकी एक्सरसाइज करता था। तो दोस्तों 6 महीने में मैंने मैथ्स और रीजनिंग बहुत बढ़िया कर ली थी, उसके बाद में टेंशन फ्री होकर के मैथ्स और रीजनिंग को एक तरफ रख दिया, बस मन करता था तो उसका रिवीजन कर लेता, बाकी अपनी साइंस हुई तो उसका पढ़ लिया, जो मेरे एग्जाम से रिलेटिव थे, पेपर आने वाला था फटाफट जल्दी से, तो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप अपना रास्ता सुनिश्चित करें, बिल्कुल भटके नहीं, कि आप सब कुछ एक साथ में नहीं कर पाएंगे। के बाद लोको पायलट में साइंस आती है, साइंस दोस्तों 10th लेवल की आती है, क्योंकि इसमें जो भर्ती है 10th+ ITI है, तो उनके लिए आया 10th से आगे का सिलेबस नहीं आना है, इसलिए आपने चाहे कि कोई सी भी डिग्री की हुई है, आप कोई भी डिग्री किए हैं, तो आपको ये 10th लेवल की ही साइंस आनी है। अभी मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं साइंस की जो आप जानते होंगे, तो वहाँ से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट आप उसका भी एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए, तब जा करके आपका होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक बुक पढ़ करके आप पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, इसलिए आपको बेसिक से और पूरा कंप्लीट करके पढ़ना है। दोस्तों ऐसी कोई एक दो बुक नहीं है जिनको मैं बता दूं और आप लोग को पायलट बन जाएं, या फिर किसी भी सरकारी जॉब का हो कि आप कोई दो बुक पढ़ करके अपनी जॉब लग जाएं, अपना पेपर पास कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट पेपर पास कर लेते हैं तब आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लिमिटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं हैं, सिलेबस में जो रहते हैं और कई टीचर बताते हैं, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसमें बताया था कि 20 क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के पीछे पड़ गए कि इसी में से आधा पेपर हो जाएगा हमारा, तो 20 क्वेश्चन ही इसमें से आने हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और उनको आप किसी भी ITI वाले से बुक ले लेना इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उससे बाहर कुछ नहीं आता, वही आता है, वो साधारण क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर एक दो बार उसको पढ़ लेंगे, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, काफ़ी है। दोस्तों इस प्रकार से आप एक एक सब्जेक्ट अपनी कंप्लीट करें, उसके बाद में लोको पायलट के लिए प्रीवियस ईयर की बुक्स मार्केट में मिलेंगी, प्लेटफॉर्म की हुई, किरण प्रकाशन की हुई, इस प्रकार से कई उनकी बुक्स हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप उनमें से कौन सी अच्छी है, तो दोस्तों वो सारे मॉडल पेपर होते हैं, सब में क्वेश्चन वही होते हैं, इसलिए उनमें से कोई भी बुरी नहीं है, सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन उनमें किसी में सॉल्व करके दिए रखा है, किसी में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, किसी में एक्सप्लेन नहीं करके रखा है, लेकिन आप अगर शुरू से पढ़ाई करके अपना बेसिक क्लियर करके अपना पूरी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग उचित बुक अपनी सेलेक्ट करें, उनमें से मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो आप उनमें से जा करके देखें अपने कितने मॉडल पेपर हैं, करीब 100 से 200 रुपये के बीच में एक बुक आती है जिसमें 10 से 20 मॉडल पेपर तक रहते हैं, तो देखें अपनी कौन सी बुक है, तो उसमें भी अपने एक बुक निकाली एक दो बार, तो दूसरी मॉडल पेपर किसी दूर, इस प्रकार से आप जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक वो वाली बुक्स निकालते रहें, 2-2, 3-3 बार निकालते रहें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इतने शिफ्ट होती हैं, हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन नए कहीं से नहीं बन के आने वाले, कुछ तो शिफ्टों में वही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए कि पेपर कहीं बाहर से आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, छोटे से छोटा क्वेश्चन आता है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आता है। दोस्तों मैथ्स में भी बहुत छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आता है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और साइंस में जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये जो बल्ब का तंतु है वो किस फिलामेंट का बना रहता है, दोस्तों वो है W tungsten 74, जिसका परमाणु क्रमांक है। तो दोस्तों इस प्रकार से छोटे से छोटा क्वेश्चन आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होगा, आपने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तभी आप पेपर एग्जाम में जा करके अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी,
अगली कोई और वीडियो आप बताएंगे तो उसके ऊपर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको बता सकूं। धन्यवाद।